तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मिनाटो के साथ साथ बाकी के होकागेस भी बैटल फील्ड में आ जाते हैं। मिनाटो हमेशा की तरह तेज हो तुम तो, तुम्हारा जवाब नहीं। थर्ड होकागे आप यहाँ पर, मानना पड़ेगा तुम्हें फोर्थ होकागे, तुम्हारा फ्लाइंग राइजिन मेरे फ्लाइंग राइजिन से भी बहुत ज्यादा तेज है। चलो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो काम को शुरू करते हैं। और तभी सभी निंजास की नजर इन चारों पर पड़ती है। सारे निंजास थर्ड होकागे को देखकर हैरान रह जाते हैं। भाई मुझे यकीन नहीं होता, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। फर्स्ट होकागे हाशिरामा, सेकंड होकागे तोबिरामा सिंजू, थर्ड होकागे मास्टर सारुतोबी और फोर्थ होकागे भी यहाँ पर है। तो असेंबली को आप सभी ने रोका है, पर रीएनिमेशन किया किसने है? हाँ दरअसल ओरोचिमारू ने हमें समन किया और अब हमें इस युद्ध को रोकना होगा। क्या ओरोचिमारू? पर ओरोचिमारू तो मर चुका है। अरे भाई ये तो कमाल ही हो गया, अब हमारे पिछले होकागे इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बात है। अरे यार नारुतो ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मादारा उचिहा एक चट्टान के ऊपर चढ़ा होता है और नीचे खड़े हाशिरामा को देखकर बोलता है, हाशिरामा मुझे सदियों से तुम्हारा इंतजार था, चलो इस बार फैसला कर ही लेते हैं। मादारा उचिहा तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मुझे इस टेन टेल बीस्ट को रोकना होगा। तुम कभी नहीं बदल सकते हाशिरामा। अरे यार ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। मिनाटो नारुतो को बोलते हैं, नारुतो मेरे बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक, अब थोड़ा सा आराम कर लो। वैसे भी तुम्हारा एक बहुत पुराना दोस्त यहाँ पर बहुत जल्द आने वाला है और वो भी हमारे साथ है। डैड आपका मतलब कहीं वो तो नहीं? क्या वो मिनाटो है? इसमें कोई शक नहीं, मैं उसके चक्रा को फील कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फोर्थ होकागे नाइन टेल चक्रा मोड में आ जाते हैं और ये देखकर नारुतो के साथ साथ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल नारुतो के साथ साथ नाइन टेल फॉक्स का आधा चक्रा मिनाटो के अंदर सील्ड है। वो चारों होकागे टेन टेल बीस्ट के चारों दिशाओं में फैलकर उसे एक ताकतवर बैरियर के अंदर सील करने की कोशिश करते हैं। टेन टेल बीस्ट उस बैरियर से बाहर नहीं आ पाता और तभी सास्के यहाँ पर पहुँच जाता है। आ गया भाई ये मनहूस सास्के, शुक्र है भाई से भी अकल आ गई। सास्के को यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या बात है सास्के, तुमने यहाँ पर आने में बहुत देर लगा दी। सास्के तुम यहाँ पर कैसे हो साकुरा? कीबा सास्के को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साले हरामजादे सास्के यहाँ पर क्या करने आए हैं? अब तेरे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? सास्के अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे विलेज को तबाह करना चाहता होगा और क्या होगा इसका मकसद? तुम सब के सब हमेशा की तरह वैसे ही हो, जरा सा भी नहीं बदले। पर सास्के तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस बार मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है साकुरा, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। पर मैंने फैसला ले लिया है, मैं लीफ विलेज की रक्षा करूंगा और उसके बाद मैं होकागे बनूंगा। और उसके मुँह से ऐसा सुनकर सभी लोगों के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ भी बोलता है बंदा, तुझे होकागे का मतलब भी पता है? भाग जा साले। शिकामारू भी बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है सास्के, पर तुम्हारा होकागे बनना नामुमकिन है। शिनो भी बोलता है, तुमने आज तक जो कुछ किया तुम्हें लगता है हम सब कुछ भूल जाएंगे? हाँ हाँ मुझे इस बात का एहसास है तुम लोग कुछ नहीं भूले होगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, सारे पिछले लीडर्स की वजह से ऐसी नौबत आ चुकी है। तो मैं सबसे पहले होकागे बनूंगा और एक एक करके सब कुछ बदल दूंगा। सास्के मुझे माफ करना लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि होकागे मैं ही बनने वाला हूँ। हाशिरामा संजू अपने सेज मोड में आ जाते हैं और बोलते हैं, होकागे कौन बनेगा इसका फैसला हम बाद में करेंगे, फिलहाल अपने चक्रा को तैयार करो नारुतो और सास्के युद्ध के लिए हम सभी लोग टेन टेल बीस्ट को एक साथ हराएंगे। साकुरा तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अब तुम आराम करो। तो सास्के देर किस बात की है, चलो। ये दोनों मेरे बगैर हाँ ऐसा हरगिज नहीं। और साकुरा भी टेन टेल बीस्ट को हराने के लिए इन दोनों की टीम में शामिल हो जाती है। साकुरा तुम्हें क्या हो गया? नारुतो मुझे कमजोर मत समझो और ये मत समझो कि मैं तुम दोनों की बराबरी नहीं कर सकती, मैं लेडी होकागे की स्टूडेंट हूँ समझे, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं भी अब ताकतवर बन चुकी हूँ। तो ठीक है टीम सेवन अब वापस आ चुकी है, साकुरा सास्के चलो इस बार इन सभी को अपना टीम वर्क दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल नारुतो। हाँ तुमने सही कहा नारुतो। और इनो भी इन तीनों को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कितना अच्छा लग रहा है ना शिकामारो इन तीनों को वापस एक साथ देखकर। हाँ इनो लेकिन अभी भी मैं सास्के पर भरोसा नहीं कर सकता। हे दोस्तों तुमने कुछ नोटिस किया, बहुत समय बाद हम सातों एक साथ इकट्ठा हुए हैं, मुझे तो हमारे चुनिंग एग्जाम्स वाले दिन याद आ गए। हे दोस्तों चलो देर किस बात की है। और तभी हम देखते हैं कि इस ताकतवर बैरियर के अंदर टेन टेल बीस्ट एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है, वो भी बहुत ज्यादा विशाल। जब टेल बीस्ट उस टेल बॉम्ब को छोड़ता है तो वो उसी बैरियर के अंदर फट जाता है। देखा तुमने सास्के, मानना पड़ेगा क्या शानदार बैरियर है दोस्तों। ऐसा देखने से लगता है ये टेल बीस्ट अपने ही हमले से घायल हो चुका है। हाशिरामा संजू सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। बहुत बढ़िया अब सभी लोग आगे बढ़ो। हाशिरामा संजू अपने वुड चेलजुत्सु का यूज करके अपने पांच क्लोन्स बनाते हैं और चारों डायरेक्शन में मौजूद सभी निंजास की हेल्प करने के लिए भेज देते हैं। और पांचवा क्लोन उस बैरियर के अंदर एक छोटी सी जगह खोल देता है और सभी निंजास टेन टेल बीस्ट को खत्म करने के लिए उस जगह से उस बैरियर के अंदर घुस जाते हैं। और तभी टेन टेल बीस्ट के अंदर से बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, पर ये निंजास उन सभी से मुकाबला करते हैं और इन सभी में बहुत खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। और जब एक मॉन्स्टर साकुरा पर हमला करने के लिए उसके नजदीक आता है तो हम देखते हैं कि लेडी सुनाडे की तरह साकुरा के माथे के ऊपर भी 1000 हीलिंग निशान आ जाता है, जिससे कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि साकुरा के एक ही मुक्के से वो बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। साकुरा की ताकत देखकर नारुतो और सास्के हैरान रह जाते हैं कि ये यूजलेस लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई। हाशिरामा संजू भी साकुरा की तारीफ करते हैं। अरे भाई साहब ये कितनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, लगता है ये मेरी पोती को भी पीछे छोड़ देगी। शिजुने भी अपने मन में सोचती है, तुमने कर दिखाया साकुरा, तुमने इतने कम समय में वो हासिल कर लिया जो कि लेडी सुनाडे तक नहीं कर पाई थी, उन्हें तुम पर गर्व होगा। नारुतो ध्यान दो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हम हार जाएं। आखिरकार इस लूजर ने नाइन टेल चक्रा को यूज करना सीख लिया। हाँ
अबे सास्के मेरी नकल करना बंद कर दे, ये डायलॉग मैं तुम्हें कहने वाला था। ये क्या, इसके पास तो एक नया शरिंग आ चुका है, पर क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, सास्के मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ये नारुतो, ये मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए हां, और कीबा इन तीनों को देखकर जेलस होने लगता है। ओए हिनाटा, चीनो देख रहे हो ना, हम इनसे पीछे नहीं रह सकते, ये कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं टीम सेवन वाले। और वैसे भी नारुतो, इस बार तुम्हारी बराबरी करने के लिए मेरे पास एक नया जुत्सु आ चुका है, अब बस देखते जाओ, शैडो क्लोन जुत्सु। क्या तुमने अभी शैडो क्लोन कहा कीबा? जरा ध्यान से देखो, तुमने सिर्फ एक ही बनाया है, पर मैं तो हजार से भी ज्यादा बना सकता हूँ। मुझे कमजोर मत समझो नारुतो, हम दो ही सब पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तो देख हम तीनों कैसे सबकी बैंड बजाते हैं, अकामारू चलो। और तभी कीबा अपना पुराना मैन बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है, और वो उसका क्लोन और अकामारू तीन सर वाले एक बीस्ट में बदल जाते हैं, और इस सभी निंजास एक साथ मिलकर इन सभी के सभी मॉन्स्टर्स का सफाया करना शुरू कर देते हैं। सभी के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, पर इन सभी की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इन सभी को डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। और तभी एक मॉन्स्टर के हमले से साई थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, पर नारुतो साई को बचा लेता है। नारुतो, क्या तुम एक बार फिर से अपना चाकरा हम सभी को बांट सकते हो क्या? नहीं साई, दरअसल मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। टेंटिल बीस्ट को हराने के लिए हमें सबसे पहले उसके पास पहुंचना होगा नारुतो, और उस तक पहुंचने का फासला बहुत ज्यादा लंबा है। पर बुरी बात यह है कि यहां पर बहुत सारे निंजास जख्मी हो चुके हैं, और अभी हमारे पास मेडिकल निंजास की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नारुतो, साकुरा और सास्के एक साथ समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं। मैं नीचे झुककर आगे बढ़ूंगा और टेंटिल बीस्ट तक पहुंचूंगा, मैं भी एक ही छलांग से टेंटिल बीस्ट के पास पहुंच जाऊंगा, और मैं सभी जख्मी निंजास को ठीक करूंगी समनिंग जुत्सु। और ये तीनों तीन बड़े बड़े जानवरों को समन करते हैं, जो कि है कात्सुया, गामाकिची और आउरा। अरे गामाकिची, ये तो तुम बुलाया है, वो देखो वो बड़ी सी चीज, क्या तुम मुझे एक छलांग में उसके करीब लेकर जा सकते हो? तुम्हारा मतलब है वो बड़ा सा राक्षस? हाँ गामाकिची, उसी के पास। अरे हाँ हाँ, बहुत आसानी से हो जाएगा नारुतो, चिंता मत करो। लॉर्ड सास्के, बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? आउरा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ही बार में उस टेंटिल बीस्ट के पास पहुँचा दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कीजिए। और हम देखते हैं कि कात्सुया हजारों की तादाद में बंट जाती है, और साकुरा के चाकरा का यूज करके सभी जख्मी निंजास को ठीक करती है। और यहाँ पर नारुतो और सास्के सिग्नल मिलते ही आउरा सभी के सभी मॉन्स्टर के नीचे से होकर जाता है, और गामाकिची एक छलांग मारता है और जमीन के रास्ते से इन सभी के सभी मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ता है, और सभी ऑब्स्टेकल्स को सास्के हटाता है। और जब ये मॉन्स्टर्स ऊपर हमला करते हैं तो गामाकिची अपनी तलवार का यूज करके उन सभी हमलों को हटा देता है, और नारुतो और सास्के का ऐसा टीम वर्क देखकर साकुरा इमोशनल हो जाती है, और आखिरकार ये दोनों अपने समनिंग एनिमल्स की वजह से उस टेंटिल बीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। और तभी नारुतो अपना विंड स्टाइल रासेन शुरिकेन और सास्के अपना इन्फर्नो स्टाइल अमातरासु का यूज करता है। ये दोनों एक साथ उस टेंटिल बीस्ट पर हमला करते हैं, और इन दोनों का हमला एक साथ मिलकर एक अल्टीमेट अटैक बनता है और सीधा टेंटिल बीस्ट के ऊपर जाकर लगता है। सास्के, मेरी बात सुनो, इस बड़े से टेंटिल बीस्ट के अंदर सात टेल बीस्ट मौजूद हैं, जब ये कमजोर हो जाए तो अपनी ब्लैक फ्लेम को हटा देना, फिर कुरामा और मैं इन सभी को सही सलामत बाहर निकाल लेंगे। नहीं नारुतो, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, सबके सब जलेंगे। क्या कहा तुमने? सास्के, ये क्या कह रहे हो? मैं इस सारे झमेले को यहीं पर खत्म कर दूंगा नारुतो। साई जुगो से पूछता है कि इसे सास्के के माइंड में चल क्या रहा है, ये क्या करने यहाँ पर आया है, और जुगो बताता है सास्के के मन में क्या है ये सिर्फ सास्के ही जानता है। और हम देखते हैं कि टेंटिल बीस्ट उस अमातरासु आग को बहुत आसानी से खुद से अलग कर देता है, और सास्के ने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी साई साकुरा के पास आता है। साकुरा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्योंकि मैं सास्के को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे सास्के पर शक है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है साकुरा? साई तुम चिंता मत करो, सास्के हमारे पास वापस आ चुका है, मुझे इस बात की खुशी है, और इस बार मुझे सास्के पर पूरा भरोसा है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई हो साकुरा, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार तुम्हारी मुस्कुराहट नकली है साकुरा। और दूसरी तरफ ओरोचिमारु, सुगेत्सु और कारिन उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर हमारे पांच कागेस बहुत बुरी हालत में पड़े हैं। हे सुनाडे, तुम इतनी बुरी हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये क्या है ओए? ची 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 ची, कितना गंदा लग रहा है। हाँ सुगेत्सु, वो कात्सुया है, एक विशाल का स्लग, और इसी की वजह से ये पांचों कागेस अभी तक जिंदा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमें इनकी हेल्प करनी होगी। हाँ कारिन, हम सबकी मदद करेंगे, सबसे पहले सुनाडे की। और जैसे ही इनके करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लेडी सुनाडे बूढ़ी हो चुकी है। कारिन बोलती है, अरे ये सुनाडे है, ये तो बूढ़ी हो चुकी है। अरे यार, इसे देखकर लगता है कि ये तो चंद दिनों की मेहमान है, पहले कितनी हॉट लगती थी, अब कितनी बूढ़ी हो चुकी है। सुनाडे, मैंने तुम्हें कभी ऐसी हालत में नहीं देखा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया सुनाडे? ओरोचिमारु, तुम यहाँ? हाँ सुनाडे, मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की हेल्प करने यहाँ पर आया हूँ। हमारी मदद करने आया? हाँ, फिलहाल तुम्हारी हेल्प करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कारिन इसे तुम्हें काटने दो ताकि ये ठीक हो सके। दरअसल ओरोचिमारु सर, मुझे सास्के के अलावा किसी से कटवाना अच्छा नहीं लगता। देखा कारिन, तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुमने जस्ट अभी कबूल किया कि तुम सास्के से प्यार करती हो। अबे सुगेत्सु, चुप कर जा, साले ऐसा कुछ नहीं है, वो सास्के सिर्फ एक नादान है, एक नंबर का। अरे चलो भिकारिन, अब नाटक बंद कर दो, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम्हारा सच सबके सामने बाहर आ चुका है। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। बस बहुत हो चुका, तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, अगर तुमने अभी इस बहस को बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। और ओरोचिमारु की कहते ही कारिन अपना हाथ दिखाती है, और लेडी सुनाडे अपने बिना दांतों वाले मुंह से कारिन के हाथ पर काटती है, और बिल्कुल पहले जैसी बन जाती है। दोबारा तुम्हें ऐसा देखकर अच्छा लगा सुनाडे, वैसे इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमने हमारे विलेज को धोखा दिया था और इसे कितनी बार तबाह करने की कोशिश भी की, तो आज ये सब किस लिए? ओरोचिमारु, तुम तो जानती हो ना मुझे सुनाडे, मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जिन चीजों में मुझे दिलचस्प
दिलचस्पी होती है। मैं हमेशा तूफान बनने की कोशिश करता था, पर अब मुझे पता है कि कोई है जो कि मुझसे भी बड़ा तूफान लेकर आ सकता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ के परे हैं, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सुधर चुके हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे बचाया। ओरोचिमारू, अगर ऐसे बदलाव तुम्हें पहले आ जाते तो जिराया को कभी मरना नहीं पड़ता। सुनाटे, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं गलत रास्ते पर नहीं चलता तो आज जिराया हमारे बीच होता। ओरोचिमारू गधे कहीं के, आज अगर तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, पर हमें बाकी सभी को भी बचाना होगा। ओरोचिमारू, तुम युद्ध के बारे में जानते हो ना? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी हेल्प करने यहाँ पर आए हैं। सुनाटे, कात्सुया बाकी सब कहाँ पर है? लेडी सुनाटे वो चारों मेरे इस तरफ। दूसरी डायमेंशन के अंदर हम काकाशी और ओबीटो को देखते हैं। काकाशी सेंसे ओबीटो को बहुत ज्यादा समझाते हैं, पर ओबीटो बिल्कुल भी नहीं समझता है। मैं तुम्हें जितना मर्जी समझा लूं, तुम कभी नहीं सुधरने वाले ओबीटो, तो अभी मैं सिर्फ तुम्हें मौत ही दे सकता हूँ। ऐसा है, ये बात तुम्हें बहुत पहले कह देनी चाहिए थी काकाशी, और मैं भी तुम्हें वही दूंगा। चलो आ जाओ। और बैक होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत खतरनाक हमले करते हैं। ओबीटो काकाशी सेंसे पर भारी पड़ता है और फायर स्टाइल से काकाशी सेंसे पर हमला करता है, पर काकाशी सेंसे मड बॉल जुत्सु का यूज करके खुद को बचा लेते हैं। और इसके बाद ओबीटो काकाशी सेंसे को एक जोरदार लात मारता है और उनके अंदर एक रॉड घुसाने ही वाला होता है कि तभी काकाशी सेंसे का एक क्लोन उसे ये करने से रोक लेता है। और एक क्लोन एक लाइटनिंग क्लोन होता है, जिसकी वजह से ओबीटो को 440 वोल्ट का झटका लगता है। और जैसे ही ओबीटो का ध्यान भटकता है तो काकाशी सेंसे ओबीटो को एक जोरदार लात मारते हैं और ओबीटो दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे पर हमला करते हैं और ओबीटो उस रॉड को काकाशी सेंसे के सीने के अंदर घुसा देता है। और काकाशी सेंसे भी लाइटनिंग ब्लेड जुत्सु का यूज करके ओबीटो के सीने के अंदर एक छेद कर देते हैं। ओबीटो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तुम हार गए ओबीटो, तुम मुझे कभी हरा ही नहीं सकते थे, ना पहले और ना अब। लगता है तुम्हें समझ में आ चुका होगा तुम इस युद्ध को नहीं जीत सकते ओबीटो। तुम ये लड़ाई जीत चुके हो काकाशी, पर ये युद्ध मैं जीतूंगा, मेरा मकसद पूरा होकर रहेगा। और इसी के साथ ओबीटो यहाँ से गायब हो जाता है और सीधा टेंटेल बीस्ट के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। और इस तरफ माधुरा उचिहा हाशिरामा के सारे क्लोन्स को हरा चुका है और माधुरा उचिहा दूर से ओबीटो को ऐसी हालत में देखता है। तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा कभी सोचा नहीं था ओबीटो, पर ऐसा लगता है अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। मैं हाशिरामा से जिंजुरी की बनने से पहले दूध बात करना चाहता था, पर लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वक्त आ चुका है रेनेरी पोर्ट से मुझे जिंदा करने का। माधुरा उचिहा ब्लैक जित्सु के सहारे ओबीटो उचिहा पर कंट्रोल कर लेता है ताकि उसी के हाथों से रेनेरी बर्थ जुत्सु का इस्तेमाल करवा सके। माधुरा उचिहा उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसी की बॉडी का यूज करके हैंड साइंस बनाता है। ओबीटो कुछ नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाता है और सभी निंजास की नजर ओबीटो उचिहा पर जाती है। अपने मन में सोचते हैं, क्या माधुरा छह पतों का फॉरबिडन जुत्सु यूज करने वाला है? क्या वो रेनेरी बर्थ जुत्सु यूज करने जा रहा है? यानी माधुरा खुद को पूरी तरह से जिंदा करने वाला है। अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। बैरियर की वजह से हाशिरामा सेंजू अपनी जगह से हट नहीं सकते इसमें से रोक सके। और यहाँ पर ओबीटो धीरे धीरे बदलने लगता है, सास्के उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और हाशिरामा सेंजू के पांच क्लोन्स भी आगे बढ़ते हैं। पर सास्के ओबीटो के पास पहुंचने से पहले ही मिनाटो ओबीटो के पास पहुंच जाता है और उस पर एक खतरनाक हमला करता है। ओबीटो नीचे जमीन पर गिर जाता है और माधुरा उचिहा रेने रीबर्थ से खुद को जिंदा करने में नाकामयाब हो जाता है। और हाशिरामा के पांचों क्लोन्स माधुरा की बहुत चिंता है ना कि मैं फिर से जिंदा ना हो जाऊं, तुम्हें इतना डरता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहां पर मिनाटो बोलते हैं, ओबीटो अच्छा तो ये तुम हो, तो तुमने ही मेरे विलेज पर नाइनटिल फॉक्स के सहारे हमला करवाया था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ओबीटो क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा सपना तो होकागे बनने का था ना, फिर तुमने ये रास्ता क्यों चूज किया? इसकी हालत देखकर लगता है ये दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता, अब बस हमें माधुरा उचिहा को सील करना है मिनाटो सर, फिर इसके बाद ये सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। मजा तो आ रहा है मुझे, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मिनाटो। और ये सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं और तभी ऊपर नारुतो सास्के और मिनाटो इन दोनों को बचा लेता है। ओबीटो टेंटेड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है। भाई साहब ये क्या हो गया इसको? सास्के और नारुतो इसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। नारुतो तुमने उसे देखा? वो पूरी तरह से बदल चुका है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा मैं जानता हूँ ये क्या बन चुका है, उसने माधुरा उचिहा को अपने ऊपर कंट्रोल करने से रोक दिया और टेंटेल बीस्ट को अपने अंदर सील कर दिया। अब इसमें कोई शक नहीं, अब ओबीटो उचिहा टेंटेल बीस्ट का जिंचुरिकी बन चुका है। टेंटेल बीस्ट का जिंचुरिकी? हाँ नारुतो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि टेंटेल बीस्ट अब उसके अंदर सील हो चुका है सास्के। हाशिरामा सेंजू भी ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। हम चाहे कुछ भी कर ले हालात ठीक नहीं हो रहे। किलर भी बोलता है, हे डोंट टेल मी इट्स हिज फाइनल फॉर्म। ऐसा लगता है कि अब टेंटेल बीस्ट का जिंचुरिकी बन चुका है और वो भी अपने फाइनल फॉर्म में आने से पहले। टेंटेल बीस्ट को अचानक से इस तरह से गायब होता हुआ देखकर सभी निंजास हैरान रह जाते हैं और ओबीटो अब कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तभी ओबीटो उस बैरियर को अपने चाक्रा से खींचकर अपने अंदर समा लेता है और ये तीनों होकागेस ओबीटो उचिहा का सामना करने उसके सामने आते हैं और माधुरा उचिहा बैठकर इन सभी चीजों को देख रहा होता है। इन सभी होकागे को रैन की पीक मांगते हुए देखने में बहुत मजा आएगा, पर अपने आप को जिंदा करने के लिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। और ये ओबीटो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, लगता है ये जेबतों की मारिश की तरह ताकतवर बन चुका है। अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो इसे हरा सके, मैं भी नहीं हरा सकता इसे। तो अब मैं अपना हुक्म का एक निकालने से पहले ओबीटो को लीड करने नहीं दे सकता। अब ओबीटो उचिहा मेरे लिए बस एक खतरा है। और इस तरफ ओबीटो टेंटेल बीस्ट को अपने अंदर सील करने के बाद से यानी कि एक जिंचुरी के बनने के बाद अब अपने कंट्रोल में नहीं है। और अब ओबीटो क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है इसका इसे कोई भी होश नहीं है। और इस सीरीज का 35th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 22K लाइक्स। तो ठीक है।
गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।